गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर एट पढ़ा रही हूँ। एट चैप्टर में जो आपका टॉपिक है वो है द प्रोनाउन, इट्स काइंड्स। तो सबसे पहले चलिए पढ़ते हैं जो प्रोनाउन क्या है और प्रोनाउन के इसमें इट्स काइंड्स, इसके टाइप्स क्या है। तो प्रोनाउन पढ़ेंगे बेटा, प्रोनाउन है क्या जी। सबसे पहले तो प्रोनाउन के बारे में, हम प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम, जो सर्वनाम जो नाउन के बदले में यूज किया जाता है उसे हम बोलते हैं प्रोनाउन। तो चलिए देखते हैं जो प्रोनाउन कैसे, इसमें एग्जांपल्स के द्वारा मैं आपको समझा रही हूँ। जैसे यहाँ पे अमित इज अ गुड बॉय, अमित ये क्या है, अमित जो है हमारा वो क्या है बेटा, नाउन। अमित क्या है, नाउन। लेकिन यहाँ पे जो दूसरा सेंटेंस है वहाँ पे है ही इज 6 ईयर्स ओल्ड, अमित इज ए गुड बॉय, अमित एक अच्छा लड़का है, ही इज 6 ईयर्स ओल्ड और वो 6 साल का है। तो अमित के जगह पे यहाँ पे क्या यूज हुआ है, सिक्स। अमित के जगह पे जो सिक्स, सॉरी सॉरी, अमित के जगह पे जो यूज हुआ है ही, ये ही क्या है, प्रोनाउन, ये ही हमारा प्रोनाउन। दूसरा एग्जाम्पल्स है माई मदर इज अ टीचर, सी इज वेरी काइंड। यहाँ पे अमित बॉयज है इसीलिए यहाँ पे ही यूज हुआ है, हम बॉयज के लिए ही यूज करते हैं और गर्ल्स के लिए सी यूज करते हैं, ये तो आप लोगों को पहले से ही पता है। तो यहाँ पे अमित जो है, अमित क्या है, एक बॉय, अमित बॉय है, अमित इज ए गुड बॉय, तो वहाँ पे हमने ये ही प्रोनाउंस यूज किया है। और मैं मदर इज ए टीचर, मैं मदर, मदर मम्मा जो है वो क्या है, मम्मा जो है एक लेडीज है, गर्ल्स है, तो उसके लिए यहाँ पे सी यूज हुआ है, सी इज वेरी काइंड और वह बहुत दयालु हैं। तो यहाँ पे मदर के जगह पे हमने दोबारा जो सेंटेंस यूज किया है उसमें क्या लिखा है, सी, तो सी हमारा हो गया प्रोनाउन, ये सी हमारा प्रोनाउन। इसमें जो हमने ही यहाँ पे यूज किया है वो हमारा हो गया प्रोनाउन। द क्लॉक इज इन द रूम, क्लॉक जो है वो कहाँ पे है, घड़ी जो है वो कहाँ पे है, इन द रूम, रूम में है। इट टेल्स अस द टाइम, और यह हमें क्या बताता है, टाइम बताता है, समय बताता है। तो हम क्लॉक घड़ी के लिए, हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इट यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने जो इट यूज किया है वो किसके लिए किया है, क्लॉक के लिए। हम दोबारा जो जब रिपीट किए हैं सेंटेंस को इट, तो यहाँ पे हम द क्लॉक टेल्स अस द टाइम, यहाँ पे हम द क्लॉक नहीं लिख के इट लिखे हैं। ये जो हमारा इट है ये है प्रोनाउन। तो आपको समझ में आ रही है, जो नाउन के बदले में, जो नाउन के जगह पे, मीन्स जो नाउन के स्थान पे यूज किया जाए वो हमारा है प्रोनाउन। नाउन मीन्स संज्ञा और प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम। तो ये हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट है, नाउन प्रोनाउन। मैंने आप लोगों को एक दिन बताया था जो हमारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसमें है नाउन, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एट द एग्जेक्टिव है, प्रीपोजिशन है, कंजेक्शन है और द इंटरजेक्शन है। तो मैंने आप लोगों को नाउन पढ़ा चुकी हूँ। प्रोनाउन से पहले सबसे पहला आप लोगों को नाउन ही पढ़ाया गया है, अब प्रोनाउन है, इस ये चैप्टर जो है वो प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन में यही है, जो नाउन के बदले यूज किया जाए वो हमारा है प्रोनाउन। जैसे कि अमित के लिए ही यूज हुआ है, मदर के लिए सी यूज हुआ है, द क्लॉक के लिए इट यूज हुआ है। तो ये सब हमारे क्या है, प्रोनाउन। ए प्रोनाउन इज यूज दैट इज यूज इंस्टीड ऑफ अ नाउन, इंस्टीड मीन्स होता है उसके बजाय, के बजाय, उसके बदले। जब नाउन के बदले हम प्रोनाउन यूज करते हैं तो वो हमारा हो गया प्रोनाउन। प्रोनाउन जो है, प्रोनाउन के ये टाइप्स है, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन के टाइप्स है। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस, आपके जो बुक है उसमें 5 प्रोनाउन दिया गया, पर्सनल प्रोनाउंस, रिफ्लेक्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, पोजिसिव प्रोनाउंस और इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। अब इसका इसे मैं आप लोगों को परिभाषा के थ्रू अच्छा नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे। आज आज फिलहाल आप लोग सिर्फ प्रोनाउंस समझिए। तो प्रोनाउंस जैसे पर्सनल प्रोनाउंस हो गया, पर्सन, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आ जाएगा, आई, माई, मी, माइन, ये सब हमारा प्रोनाउंस है। जैसे इसको हम प्लुरल, वी, आवर, अस, यू, योर, योर्स, ही, सी, इट, हिज, हर, इट्स, हिम, इसका प्लुरल में दे, देयर, देम, देयर्स, ये सब हमारा क्या है, ये सब हमारा प्रोनाउंस है। जो ना अब लोग को समझ में आ चुकी होगी जो प्रोनाउंस क्या है, प्रोनाउंस जो नाउन के बदले में हम यूज करते हैं वो हमारा क्या है बेटा, प्रोनाउन।
करंट्स ऑफ प्रोनाउंस मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को पढ़ाऊंगी। आज आप लोग प्रोनाउंस को अपने बुक में देखिएगा जो प्रोनाउंस क्या है, जैसे कि आप लोग एग्जांपल्स में दिया गया है क्लियर। जो अमित, अमित इज ए गुड बॉय, यहाँ पे अमित है, अमित एक अच्छा लड़का है, लेकिन अमित क्या है, वो नाउन है, वो नाउन के जगह पे प्रोनाउन ही रखा गया है। ही इज 6 ईयर्स ओल्ड, अमित इज 6 ईयर्स ओल्ड, अमित इज वेरी इंटेलिजेंट। अमित इज, ये लिखने में बार बार रिपीट करने में अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, नाउन के जगह पे प्रोनाउन यूज करते हैं। जैसे अमित के जगह पे हमने ही यूज किया है, ही इज 6 ईयर्स ओल्ड, ही इज सो इंटेलिजेंट, ही इज क्यूट, ही इज स्मार्ट। हम जो भी करेंगे, पहले पहला सेंटेंस में नाम है, उसके बाद हम इसके लिए ही यूज करें, ही यूज किए हैं और ही यूज करेंगे। मदर्स, मदर के जगह पे मैंने यहाँ पे सी यूज की हूँ, द क्लॉक की जगह पे। तो आप लोगों को समझ आ चुकी होगी, जो नाउन के बदले में यूज किया जाता है, मीन्स नाउन अमित के जगह पे ही रखा गया है, जो नाउन के जगह पे रखा जाता है वो हमारा प्रोनाउन। चलिए, ओके, थैंक यू।